एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को तैयार होता देख कर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह अपनी मनवाली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नज़र आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनके जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए?
तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बन कर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर में नौकरानी बन के रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी बड़ी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है, मेरी ओर अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थीं। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम ख़त्म कर के घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मोय बोली 4थी बेटी यानी वही औरत है और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है, माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सब को माफ़ कर दें। अब महालक्ष्मी मुस्कुराई और बोलें, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से, इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। कैसी लगी दोस्तों एक महालक्ष्मी की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियां मिल सकें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें।